नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। माय फ्रेंड, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर आपको आसानी से लोन प्रदान कराने का दावा करती हैं। उनमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि RBI से रजिस्टर्ड है और कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि RBI से रजिस्टर्ड नहीं है। बट फ्रेंड्स, आप लोग पैन कार्ड आधार कार्ड पर आसानी से इनसे लोन तो ले लेते हैं, लेकिन मेरे देखने में आया आप पूरे तरीके से ये चेक नहीं करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है और कौन सी एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लोन लिया इजी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से। उन्होंने भुगतान करने में एक दिन या दो दिन की देरी की, उनको काफ़ी डराया गया, उनको काफ़ी धमकाया गया, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। मेरे पास में उनका ईमेल आया, सर क्या ये एप्लीकेशन जो है RBI से रजिस्टर्ड है? तो देखिए दोस्तों, जब मैंने इस एप्लीकेशन की अबाउट सेक्शन वगैरह की डिटेल्स वगैरह चेकआउट की, सारी चीज़ों को फाइंड करने का प्रयास किया, तो देखिए अबाउट सेक्शन के आधार पर अगर देखा जाए एप्लीकेशन ने ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी है कि कौन सी NBFC के थ्रू आपको ऋण प्रदान करा रही है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन उनका ये था, उन्होंने कहा कि क्या इसके रिकवरी एजेंट घर पे आकर के लोन की रिकवरी कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। जो भी सारी चीज़ें हैं जैसा कि आपने बताया और मैंने इसके रिव्यू देखे, तो उनके आधार पर तो मुझे स्पष्ट रूप से क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी इजी लोन एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं या लोन लेने का सोच रहे हैं, आप सावधान रहिएगा। अगर आपने इनका भुगतान नहीं किया, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, इवन आपके ज़िंदगी को ये प्रॉपर तरीके से बर्बाद कर देंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप एक से लोन लेंगे फिर दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे, आप दूसरे से लोन लेंगे आप तीसरे के चक्कर में पड़ेंगे, आप तीसरे से लोन लेंगे आप चौथे के चक्कर में पड़ेंगे, आप इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। अगर एप्लीकेशन के रेटिंग की बात की जाए, 4.8 की रेटिंग दी हुई है। रेटिंग जो है मे बी कोई इनका ही मतलब एम्प्लॉयर्स होंगे जिन्होंने रेटिंग वगैरह दी है, इन्होंने पैसा वैसा देकर के रेटिंग दिलाई होगी। अगर आप बात करेंगे इस एप्लीकेशन के डाउनलोडर की, तो 100K+ लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। अगर आप बात करेंगे इसके रिव्यू वगैरह की, तो रिव्यू वगैरह तो लोगों ने मतलब जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें तो अच्छे नहीं बताए हैं, और पॉजिटिव में तो खैर इन्हीं के बंदे होते हैं ज़्यादातर जो इस प्रकार के रिव्यू वगैरह लिखते हैं। एप्लीकेशन 7 दिन के लोन देती है और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन मिलेंगी, आपको इससे सावधान रहना है पूरे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से जो मैंने जानकारी दी है समझ में आ गई है। एप्लीकेशन का नाम है इजी लोन, और आप ऐसी एप्लीकेशनों से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है। अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव को इन एप्लीकेशन से दूर रहने के लिए कहिए, क्योंकि इनके ताल्लुक कहीं ना कहीं चाइना से भी हैं। आप इस बात को भली भांति समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जय जन शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइज, अगर आपसे कोई भी यूट्यूबर हेल्प दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है, आपको मिसगाइड करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, मैं आपको कहता हूं दावे के साथ में, वहां से आपको किसी प्रकार की हेल्प नहीं होगी और आपसे पैसा भी लूट लिया जाएगा। आपको किसी प्रकार की समस्या है, देखिए जय जन शक्ति के मल्टीपल चैनल हैं, जय जन शक्ति की टीम पूरे तरीके से वर्क कर रही है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें, आपका कोई भी इशू है हमें बताएं, हम उसको पूरे तरीके से रिजोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना, और ये जो एक लीगल तरीके से स्कैम चल रहा है इसको पूरे तरीके से एक्सपोज करना और इनको प्रॉपर तरीके से इनकी औकात दिखाना। क्योंकि देखिए, आपने देखा है बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि लोगों को गालियां देती हैं, वह RBI से भी रजिस्टर्ड हैं फिर भी उनका यही कार्य है। लेकिन हम पूरे तरीके से, चाहे कोई लीगल हो चाहे कोई इलीगल हो, गलत करेगी तो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। कोई और जानकारी चाहिए तो कृपया करके मुझे कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच बाबा।